अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अगर आप लोग दुबई या किसी और मुल्क की जॉब्स ढूंढना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको विजिट करें, आपको बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी। बढ़ते हैं अब तक की ताज़ा अपडेट की जानिब। मुतहदा अरब अमारात के सदर और इंडोनेशिया के नायब सदर में तरफे तालुकात पर तबादला ख्याल। मुतहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैदुल निहान ने बुध को कतर अल शादी महल में इंडोनेशिया के नायब सदर डॉक्टर मारूफ अमीन का इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान इंडोनेशिया के नायब सदर ने शेख मोहम्मद को इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो की मुबारकबाद और मुतहदा अरब अमारात की मजीद तरक्की और तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात के दौरान फरीकन ने दोनों ममालिक और उनके अवाम की मुश्तरका भलाई के लिए दो तरफा तालुकात को बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुतहदा अरब अमारात का 10वां यौमे परचम वो 10 हकायक आलमी रिकॉर्ड और कवायद जो आपको शायद मालूम ना हो। मुतहदा अरब अमारात आज 3 नवंबर को अपना यौमे परचम मनाएगा और शेड्यूल के मुताबिक 11 बजे एक साथ लाखों परचम लहराए जाएंगे, क्योंकि रिहायशी मुतहदा अरब अमारात के नायब सदर की तरफ से जारी करदा अपील पर लबैक कहेंगे। उससे अमारातियों और ताकीन वतन की जानिब से सालाना यौमे परचम के 10वें साल मनाने की निशानदेही होगी। यौमे परचम पर सरकारी इमारतों, निजी दफातर, घरों, चौकों, पार्कों और साहिलों पर परचम बुलंद और फखर से लहराया जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। खातून के साथ व्हाट्सएप के जरिए बदतमीजी करने पर एक शख्स को 23,000 दिरहम अदा करने का हुक्म दे दिया गया। एक खातून जिसने सोशल मीडिया एप्लीकेशन व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके एक शख्स की बेइज्जती की थी, उसको अदालत ने हुक्म दिया है कि वो मुतासिर शख्स को 23,000 दिरहम का हर्जाना अदा करे। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक इस शख्स ने खातून के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें खातून के बदसलूकी के पैगामात के नतीजे में मुबैना तौर पर होने वाले अखलाकी और मादी नुकसान की शिकायत की और उसके बदले 6,00,000 दिरहम मुआवजे का मुतालबा किया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुतहदा अरब अमारात और सऊदी मरकजी बैंकों की जानिब से शरह सूद में इजाफा। फैसला अमरीकी शरह सूद में दोबारा इजाफे के बाद किया गया। मुतहदा अरब अमारात के मरकजी बैंकों ने शरह सूद में इजाफा किया है और इससे मुसलसल बुनियादी शरह सूद को बढ़ाया गया है। ये फैसला अमरीकी फेडरल रिजर्व बोर्ड के 2 नवंबर के फैसले के बाद किया गया है, जहां फीड ने फेडरल रिजर्व बोर्ड के 2 नवंबर 2022 को रिजर्व बैलेंस पर सूद में 75-20 पॉइंट्स बढ़ाने के ऐलान के बाद लिया है। जी तो नाज़रीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।